फ्रेंड्स, आज विधान किचन में बना है आलू के पराठे और काफी क्रिस्पी और टेस्टी हैं। ये देख रहे हैं ना, बहुत ही मजेदार ये पराठे बने हैं। तो मैं देख आपको दिखा दूं कि इसकी स्टफिंग कैसी है। देखिए, कम से कम बहुत ही ज्यादा मजेदार और गर्मा गर्म ये आलू के पराठों की स्टफिंग आप देखेंगे ना, तभी मजा आने वाला है। ये देखिए कितनी जबरदस्त स्टफिंग है इसकी, है ना। तो मजा ही आने वाला है ऐसे पराठों को खाने में। और इसे मैंने कैसे बनाया है, तो चलिए वीडियो स्टेप बाय स्टेप आप जरूर से देखिएगा पूरा प्रोसेस और फॉलो कीजिएगा। तो बनाते हैं आलू के पराठे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विमला, मेरे विधान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल आलू के पराठे। आलू के पराठे बहुत ही मजेदार बनेंगे और सिंपल बनेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस आलू के पराठों के लिए डो कैसा होना चाहिए, यानी हमें आटा किस तरह से लगाना है कि हमारे आलू के पराठे बहुत ज्यादा क्रिस्पी बने और काफी मजेदार बने। तो यहाँ पे मैंने 2 कप आटा लिया है, आप देख रहे हैं। तो ये घर का लोकल चक्की का आटा है, थोड़ा दरदरा मोटा आटा है। तो इसे हम लेंगे और इसमें मैं सबसे पहले थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, इस तरीके से थोड़ा सा नमक ऐड करना है हमें, करीब 2 चुटकी। और अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी, आप चाहें तो घी को भी मेल्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो करीब 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आप चाहें तो इसमें अजवाइन या फिर जीरा भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके घर में लोगों को पसंद हो तो जरूर से ऐड कीजिए। तो फिलहाल मैं आटे को सिंपल ही रख रही हूँ और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूंगी। ऑयल और नमक को हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है, मोयन की तरह ऑयल का यूज नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच ही ऑयल को हमें ऐड करना है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए डो रेडी करेंगे। पराठे का डो जो है बहुत ही सॉफ्ट रेडी करना है हमें, यानी कि आपको बहुत ज्यादा स्मूथ आटा लगाना है, टाइट नहीं लगाना है, रोटी से भी ज्यादा स्मूथ आपको आटा लगाना है। तो इसका डो रेडी कर लेते हैं हम। फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा जो है रेडी हो गया है और इस तरीके से आपको सॉफ्ट आटा लगाना है। तो अब मैं इसे ढककर के 10 मिनट के लिए यूं ही रख देती हूँ ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए, और जब तक ये रेस्ट होगा तो हम पराठों की स्टफिंग के लिए आलू मसाला रेडी करेंगे। पराठों की स्टफिंग के लिए हमने लिया है उबले हुए आलू, और इन आलुओं को हम जो है लेंगे, और आप इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं और आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं ताकि इसमें लम्स ना रहे, अगर आप चाहते हैं और आपका एक्सपर्ट नहीं हो आप आलू पराठा बनाने में, तो आप इसे थोड़ा सा ग्रेट कर लें तो लम्स हट जाएंगे। तो हम लेंगे आलू, तो यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। पहले हम आलूओं को थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल है मगर पराठों को बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएंगे। तो सबसे पहले है भुना हुआ जीरा, इसे मैंने कूट लिया है, जीरा को भूनकर इसे कूट लेना है आपको। चाट मसाला, कसूरी मेथी ड्राई, हरी धनिया पत्ती और हरी मिर्च, खटास के लिए, चटपटेपन के लिए अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आलू पराठे में चीजें जितनी ही सिंपल रखेंगे आप, पराठा उतना ही स्वादिष्ट बनेगा। मेन है आलू का मसाला आप कैसे तैयार करते हैं, तभी आपके पराठे जो है बहुत ही अच्छे और टेस्टी बनेंगे। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, पराठों के लिए आलू का मसाला रेडी हो गया है, तो अब हम चलते हैं अपने पराठे बनाने। आलू के पराठे बनाने के लिए हम यहाँ पे डो लेंगे, और डो हमारा काफी सॉफ्ट है, तो इसे हम एक बार थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से मसल लेंगे ताकि आटा जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो आटा हमारा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, तो
तो आपको जैसे भी साइज का पराठा पसंद हो तो उस हिसाब से आप लोई निकाल लें। तो मैं इसकी लोई निकाल लेती हूँ। तो मैं थोड़े से बड़े साइज के पराठे बना रही हूँ ताकि जल्दी हो जाए और काफी टेस्टी बनते हैं ना, तो फिर वो बड़े बड़े पराठे ना वो बुरे नहीं लगते, बस टेस्ट होना चाहिए। तो ये देखिए इतना बड़ा सा। अब इसमें हम सूखा आटा लगाएंगे इस तरीके से और इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। बीच में हमें मोटा रखना है और साइड में हमें पतला बेलना है। इस तरीके से हमें इसे बेल लेना है। तो ये देखिए ये मैंने अच्छे से बेल लिया है इसे। अब हम बीच में स्टफिंग भरेंगे आलू की। तो इस तरीके से हम स्टफिंग भर लेते हैं और स्टफिंग भरने में आप कंजूसी मत कीजिएगा और इसे इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमें इसे बंद करना है। और ये जो एक्स्ट्रा है ना इतना सा, ये हम बाहर कर देंगे और इसे इस तरीके से हम दबा देंगे। हल्के हाथों से हमें इस तरीके से करना है, इसे दबा देना है ताकि कहीं भी क्रैक ना रहे और बेलते समय पराठे हमारे फटे ना। अब इसमें सूखा आटा लगाएंगे। इस तरीके से और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगानी है क्योंकि आटा सॉफ्ट है। हल्के हाथों से आपने इसे बेल लेना है। तो बस फ्रेंड्स, ये इसी तरीके से हमारा आलू का पराठा अच्छे तरीके से बेल गया है। तो हम फ्रेंड्स, पराठा रेडी है तवे पर जाने के लिए। तो तवा भी हमारा गर्म हो गया है, तो मैंने ऑलरेडी पहले से इसे गर्म रखा हुआ है। तो अब हम पराठों को डाल देंगे तवे पर। मीडियम टू लो फ्लेम करना है आपको, ज्यादा हाई फ्लेम पे आपको पराठे को नहीं सेकना है। तो जब ये ऊपर की लेयर ड्राई हो जाएगी तो हम इसे फ्लिप करेंगे। फ्रेंड्स, ऊपर की लेयर ड्राई हो गई है तो हम इसे फ्लिप करेंगे। ये देख रहे हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से ये सिक गया है। तो अब हम इसमें ऑयल या घी अप्लाई करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसमें अप्लाई कर देंगे ताकि बहुत अच्छे तरीके से सिक सके। अब हम इसे एक बार और फ्लिप कर देते हैं। और इस साइड भी हम ऑयल को अप्लाई कर देंगे, अच्छे तरीके से लगा देंगे। अब हम इसे एक बार और फ्लिप करेंगे। फ्रेंड्स, इसे हम अच्छे तरीके से सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक अलट पलट कर। देख रहे हैं ना कितने अच्छे फूले फूले से पराठे बन रहे हैं हमारे। इस तरीके से हम इसे सेक लेंगे।
फ्रेंड्स, हमारा आलू का पराठा रेडी है और काफी अच्छे तरीके से हमने इसे सेक भी लिया है। तो ये देख रहे हैं आप कितना क्रिस्पी और टेस्टी यमी सा पराठा है। तो चलिए हम इस गर्मा गर्म पराठे को सर्व करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा ना कैसे झटपट हमने टेस्टी आलू पराठा बनाया है। तो बहुत ही क्रिस्पी आलू पराठे बने हैं फ्रेंड्स, और गर्मा गर्म मैंने इसे सर्व भी कर लिया है। तो आप इसे अचार के साथ में या किसी अपनी फेवरेट चटनी के साथ में सर्व करें और एंजॉय करें। आई होप आपको ये विंटर स्पेशल आलू के पराठों की रेसिपी पसंद आई हो, और पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल विदान किचन इंदौर को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तो फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय।